गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपीआर बाइकर्स। तो फिर से एक बार आप लोगों के बीच हम आ चुके हैं एक नया कंटेंट और एक नई बाइक आप लोगों के लिए लेकर, जो कि है हमारे युवराज भाई की और BS4 NS 200 है, जो कि अभी तक हमारे जबलपुर में सबसे ज़्यादा किसी ने मॉडिफिकेशन किए हैं तो वो हमारे युवराज भाई ने किया, जैसा कि आप बाइक देख पा रहे हैं। तो अभी जानते हैं हम इसके बारे में क्या क्या उन्होंने मॉडिफिकेशंस किए हैं और कितना क्या उन्होंने अपने इसमें एसेसरी डाल दिया और कितना उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारा ये छोटा सा सिनेमैटिक देखें, कैसा लगेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये जो हमारी की है इसको हम फ्लिप की बोलते हैं और हमने स्टार्ट ही फ्लिप की से किया है। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन जो देखा जाए तो इनने की से स्टार्ट किया था। तो ये की जो है फ्लिप की है और ये अराउंड 400 की इनको पड़ी थी और सारे सिटी का अलग अलग प्राइस है, अलग अलग रेट है हर जगह का। तो आप अपने सिटी में पता कर सकते हैं, कोई भी जो चाबी बनाने वाला नॉर्मली है वो बना देगा जो भी चाबी के बारे में नॉलेज रखता है। तो सबसे पहले जब अपन फ्रंट से बात करें तो फ्रंट लुक देख लें, तो आपने देखिए जो पूरी बाइक है, ये बाइक ऐसी आती नहीं है जैसी आप देख रहे हैं। इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया गया है, इसको रैप कराया गया है, एक अलग जो कहते हैं ग्राफिक्स होते हैं, एक अलग से ग्राफिक्स इसमें डाले गए हैं। आप इसको चारों साइड से देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये। तो इन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इसको, अपनी बाइक ने एक दुल्हन की तरह से इन्होंने सजा कर रखा हुआ है। काफ़ी प्यारी बाइक लगी मेरे को, इस वजह से मैं ये कंटेंट और ये कह सकते हैं वीडियो या बाइक जो भी कह सकते हैं आप लोग के लिए लेकर मैं आया हूँ। तो मुझे बहुत प्यारी ये लगी। तो जिस भी बाइक को बाइक से प्यार है और मॉडिफिकेशन वगैरह कराना चाहते हैं तो अपनी बाइक में अच्छे से अच्छी जगह मॉडिफिकेशन कराएं, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि आप कराने कुछ जाते हैं, कर कुछ देते हैं और बाइक बहुत ही भद्दी दिखने लगती है। बट लेकिन आप इसका लुक देखिए कितनी प्यारी लग रही है, एकदम डिसेंट बाइक लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा अलग से कुछ मॉडिफिकेशन कराए गए हैं। तो आप इसको देखिए, काफ़ी अच्छी बाइक है। तो जैसा कि अपन फ्रंट लुक की बात कर रहे थे तो आप इसमें इंडिकेटर देख सकते हैं, जो स्टॉक इंडिकेटर होते हैं वो पूरा टोटली अलग है। इसमें ये LED इंडिकेटर लगाए गए हैं, साथ में हैजर्ड सिस्टम लगाया गया है और ये रैपिंग आप देख रहे हैं। और साथ में यदि आप देख पा रहे हो, मैं हेलमेट हाथ में ले लेता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये जो इसका फोक है, इसका जो सॉकअप है, ये भी पूरा रैप कराया गया है अपने हिसाब से, जैसे इनको अच्छी लगी उन्होंने कराया। और बाकी आप भी कमेंट करके बताइएगा कि बाइक कैसी लग रही है, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छी लगी और ऐसा नहीं लग रहा कि इन्होंने इसमें हक दिया है, बस बहुत प्यारी बाइक लग रही है मेरे को। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो मॉडिफाई कराते हैं पर अच्छी नहीं हो पाती है, पर ये बाइक काफ़ी अच्छी मॉडिफाई हुई है। फिर हम बात करेंगे इसके, ये आप देख सकते हैं क्या निकला हुआ है। आप लोग यही सोच रहे हैं, जो जानते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं, इसको अपन कहते हैं हैंड प्रोटेक्टर भी कहते हैं, कई लोग लीवर गार्ड भी बोलते हैं। जब बाइक नॉर्मली गिरती है तो सबसे पहले अपन को ये हथेली में चोट आती है, तो इसके लगे होने की वजह से तो आपके हैंडल में कोई स्क्रैचेस नहीं आते, हैंडल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपका लीवर बचा रहता है, उंगली आपकी बची रहती है, जो उंगली वगैरह होती है इसमें कोई डैमेज नहीं आता, आपका जो लीवर होता है उसमें भी कोई डैमेज नहीं होता है। तो इसमें जो लीवर लगाया गया है ये भी पूरा एडजस्टेबल है, आप अपने हिसाब से इसमें मोड़ दिए गए हैं। एक और इसमें वैरायटी आती है जिसमें जब ये ना लगा हो तो आपके जो लीवर होते हैं बीच से मुड़ जाते हैं, मेरे पास शायद पड़े होंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, अभी तो है नहीं, फिलहाल मैं आपको ऊपर से एक इमेज डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। बाइक कोई भी हो, राजदूत हो, लूना हो, या बड़ी से बड़ी कोई कावासाकी की बाइक हो, छोटी से छोटी कंपनी की कोई भी बाइक हो, पसंद होता है सबको बाइक का एग्जॉस्ट सिस्टम। तो आप देखिए एग्जॉस्ट सिस्टम इन्होंने टोटली पूरा, ये नहीं कि ऊपर से बस इन्होंने लगवा दिया अपना एग्जॉस्ट, पूरा पाइप इनका चेंज हुआ है, इसे हम फुल सिस्टम एग्जॉस्ट कहते हैं। जो कि इसमें इनका जो टोटल कॉस्ट पड़ा था वो 8,000 रुपये करीब पड़ा था, तो काफ़ी इन्होंने खर्चा किया है। और बाइक की आवाज़ भी अच्छी है, आपको वो भी सुनाते हैं। तो ये था इसका एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट का कहना चाहिए बाप भी कह सकते हैं, भाई NS में किसी के पास ऐसा एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं है।
काफ़ी लाउड बाइक है इनकी, जब भी ये निकलती है। अभी जब ये मेरे रूम पर आए थे तो काफ़ी दूर से पता चल गया कि भाई युवराज आ चुके हैं हमारे रूम पे और पधार चुके हैं। तो ये हमारी उनकी बाइक है और काफ़ी यूनिक साउंड है इनका, दूर से अपनी एक पहचान छोड़ते हुए जाते हैं कि यहाँ से हमारे युवराज, श्री श्री युवराज जी निकले हुए हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि इसके बैक टायर की हम बात कर लें तो नॉर्मली जो स्टॉक टायर आता है वो 130 होता है, अभी इसमें लगा है 150 जो कि KTM बाइक्स में आता है और वो सेम साइज ही है KTM का। तो ये लगाया क्यों गया है? अब आप सोचेंगे अननेसेसरी खर्चा है। नहीं, अननेसेसरी नहीं है, क्योंकि यार ये जो भाई हैं हमारे जो बाइक चलाते हैं तो एक अलग ही अंदाज में चलाते हैं। जब ये कॉर्नरिंग करते हैं ना, कॉर्नर ये एक हाथ से कर लेते हैं, ऐसे वाले बड़े वाले हमारे ये मतलब कहना चाहिए राइडर हैं। तो ये जो टायर है इन्होंने लगवाया है 150 है इसका, जो स्टॉक आता है वो 130 आता है और ये 150 है इनका। काफ़ी ब्रॉड है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा पास में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखिए काफ़ी ब्रॉड है। थोड़ा सा अभी ये ज़्यादा चल गई है तो थोड़ा सा ग्रिपिंग उसकी ख़त्म हो रही है, बट लेकिन काफ़ी अच्छा है। फिर हम टायर से थोड़ा ऊपर आते हैं तो इसकी बैकलाइट देखते हैं। तो बैकलाइट आप देख सकते हो जो आती है वो अलग ही है। कुछ काम तो ऐसा है जो इन्होंने खुद से किया है और कुछ काम तो ऐसा है जो इन्होंने बाहर से करवाया है। तो जैसे कि आप बैकलाइट देख रहे हैं, ये इन्होंने खुद से किया है, जो कहना चाहिए स्प्रे पेंट आता है उससे अपना दिमाग लगा के उन्होंने काफ़ी अच्छे इसमें ग्राफिक्स देने की कोशिश की है। तो काफ़ी प्यारा, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं इसमें विनाइल लगा देते हैं, रेडियम वगैरह लगा देते हैं, तो जब बाइक की जो लाइट जलती है तो गर्म होकर वो मेल्ट होने लगता है तो काफ़ी भद्दा दिखने लगता है। बट इन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, जो पढ़ा लिखा आदमी करता है वो उन्होंने किया है और काफ़ी अच्छा मेरे को लगा भाई कि इतना आप कैसे सोच लेते हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था कि आप घर बैठे कुछ मॉडिफिकेशन खुद से भी कर सकते हैं। ये इतने मॉडिफिकेशन युवराज भाई ने अपनी NS200 में कराया है, मेरे को बहुत अच्छी लगी। आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा आप ये टैंक वगैरह देखिए, इन्होंने काफ़ी अपने जैसे वो खुद फंकी लुक में रहते हैं वैसे उन्होंने अपनी गाड़ी को भी बना के रखा है। भाई आपकी बाइक मतलब कहना चाहिए यूनिक है, जबलपुर में यूनिक है, कहीं भी खड़ी होगी यार कोई भी चोरी करके लेके मैं पहचान जाऊंगा कि भाई की बाइक है। तो ठीक है, ये था और उनको हम स्पेशल थैंक्स कहेंगे जो काफ़ी दूर से हमारे पास आए और अपने समय दिया। तो उनको अभी एक चैनल है फूड एंड फ्यूल करके, उसकी जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं फूड एंड फ्यूल। तो आप उनको भी जाइए चैनल पर विज़िट करिए। उन्होंने अभी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी बनाया है हाल ही में, मैं उसकी भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊँगा। थोड़ा सा अभी क्या लॉकडाउन था तो हमारा जो डिस्टेंस है वो काफ़ी तो नहीं है, बट लेकिन जा नहीं पा रहे थे पुलिस की वजह से। तो एक वीडियो उस पर भी आपको बनाकर मैं दिखाऊंगा। भाई ने काफ़ी मेहनत की थी उस रिकॉर्ड के लिए, मतलब 24 आवर आंखें खोलकर, मतलब समझ रहे हैं जर्नी करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो भी जल्दी लेके आऊँगा। तो आप भाई का चैनल ज़रूर विज़िट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा। तो दिस इज़ मी MPR बाइकर शाइनिंग ऑफ।